एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा था, अबे तू तो यार मुल्ला है ना, मुस्लिम है, तेरा तो कटा हुआ। मैंने खिंचा के एक मारा। मैंने कहा सबसे पहले ना सारे रिलीजन की इज्जत करना सीख ले। वो जो तू खतना बोल रहा है, सर्कमसिजन उसे मेडिकली हम बोलते हैं, उसके तुम्हें पता है कितने ज्यादा फायदे हो। और कहता रहे तू भारतीय है, तुम तो साला पत्थर की पूजा करते लो IQ वाले, और साथ में ये वीडियो दिखा दी। अब देखिए मुझे कोई कुछ बोल दे, मेरा रोस्ट कर दे, चलो ठीक है चल जाएगा, बट मेरे धर्म के बारे में किसी ने उंगली करके देखी ना उसकी उंगली तोड़ दूंगा। मतलब दोनों धर्मों को बंदा आपस में लड़वा के, या मैं कहूँ बेवकूफ बना के बंदा फॉलोअर्स गेन कर रहा है। पहली वीडियो में कहता कि भाई हिंदू लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, उनके धर्म का खतरा का मजाक उड़ाते हैं, और मैं फिर उनको डिफेंड करता हूँ, हिंदुओं से बचाता हूँ, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स बताता हूँ। अगली वीडियो में कहता मैं जब इस्लामिक कंट्री में जाता हूँ, इस्तानबुल वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ पे मुसलमान लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, और फिर मैं हिंदुओं को डिफेंड करता हूँ, हिंदू धर्म के पीछे जो साइंस है वो मैं बताता हूँ लोगों को। और इसकी हर वीडियो में आपको यही कंसेप्ट मिलेगा कि कभी हिंदू मुसलमान का मजाक उड़ा लेते हैं, कभी मुसलमान हिंदू का मजाक उड़ा लेते हैं, और ये उनको आता है बचाने, ये उनका मसीहा बनता है। और कैसे ये दोनों धर्मों के लोग खिलवाड़ कर रहा है उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ भाई। ये इसकी कुछ रीसेंट फोटोज है जो इसने किराए की लड़की के करी हुई है। आपको पता है इसको भी यूथ आइकॉन बनने का शौक है साहिल खान की तरह, तो ये किराए पे लड़कियां बुलाता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है, न्यूडिटी को एडल्ट्री को प्रमोट करता है अपने आप को सस्ता साहिल खान दिखाने के लिए। बट इस चीज़ में देखिए मैं साहिल खान की रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि वो बंदा फुद्दू ही है, बट रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो धर्म को बीच में नहीं लाता। और सिर्फ यही नहीं भाई, ये रिसेंटली इजिप्ट या किसी फॉरेन कंट्री में गया था जहाँ पर लड़कियों को छेड़ने की वजह से जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने इसके जूत मारे थे और इसकी ये हालत कर दी थी। अब देखिए चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, कोई भी रिलीजन एडल्ट्री को, न्यूडिटी को, वल्गैरिटी को, लड़कियों को छेड़ने को अप्रूव नहीं करता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर रिलीजन में चोरी, फ्रॉड गिरी, स्कैम गिरी सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, जो कि इस बंदे का मेन धंधा है। इससे बड़ा चोर या फ्रॉड दोस्तों शायद ही आपको हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा, और इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा आज की वीडियो में। और सच बताऊं वैसे वीडियो मेरा बनाने का प्लान नहीं था, और इसके ऊपर जो रोस्ट वीडियोस है वो भी बनना बंद हो गई थी यूट्यूब पे, बट इस बंदे की यार एक गंदी आदत है उड़ता वाइब्रेटर अपने पिछवाड़े में लेने की, इसलिए इसने मुझे और दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना स्टार्ट किया, वो भी उन वीडियोस पे जो 2-3 साल पुरानी है उन पे ये बंदा स्ट्राइक भेज रहा। मतलब इसे अब याद आया कि इसके ऊपर रोस्ट वीडियोस बन चुकी। बेसिकली दोस्तों ये पूरा प्लान है मृतुल मदभौक जी का अपनी इमेज क्लियर करने का, क्योंकि हमारे मृतुल मदभौक जी आजकल रिलीजन के ऊपर काफी वीडियोस बना रहे हैं जो कि उनकी चल भी रही है, हिंदू मुसलमान एक साथ बेवकूफ बन रहे हैं, जिसकी वजह से काफी नई ऑडियंस इनके साथ जुड़ रही है जिन बेचारों को इनकी सच्चाई नहीं पता। इसलिए हमारे मृतुल मदभौक जी सारी जो रोस्ट वीडियोस है, एक्सपोज वीडियोस है जो उनके ऊपर बनी है, वो हटवाना चाहते हैं यूट्यूब से, ताकि जो नई ऑडियंस है उनको उनके फ्रॉड गिरी, स्कैम गिरी, न्यूडिटी, एडल्ट्री के बारे में पता ना चले, कि कैसे ये लड़कियों को छेड़ने की वजह से पिटे हैं लोगों से, कि कैसे ये फ्रॉड करके, स्कैम करके नकली प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाते हैं। और ये सारी चीजें भाई A to Z पूरी इसकी पोल खोलेंगे आज, तो भाई वीडियो एंड तक देखना, सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई मृतुल मदभौक है कौन, ये कहाँ से आया है। भाई बेसिकली ये कि मुजरा करने वाला जो टिकटॉक से आया है। टिकटॉक पर मृदुल भाई ने एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था जिसमें लोगों को काले से गोरा करते थे। गोरा होना ना बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, मैं गोरा होना, तुम गोरापन देख पा रहे हो, गोरा 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 चिढ़ाते ना, काड़ू काड़ू काले यार, अगर आपको गोरा होना है ना, 7 दिन में एक और लड़का हुआ गोरा, तू रात गोरे हो जाओगे भाई, गोरा कौन कौन होना चाहता है, अगर आपको भी लोग कलुआ बोलते हैं। इसके अलावा गंजे के सर पे घने बाल लाना, मोटे को पतला करना, पतले को मोटा करना भी स्पेशलिटी थी हमारे मृदुल मदभौक जी। चर्बी एक तो उड़ने लग जाएगी, छुपाने हाँ है अगर, कॉन्स्टिपेशन एकदम खत्म भाई, खुजली, बाल देखो इतने ज्यादा ड्राई हो रखे, अरे यार एक बार ऑयली वाले बाल एक बार हटो यार, सिंपल सबसे सिंपल तरीका बता दे तुम्हारा भाई, चोद दो। अब बताओ ऐसी ओवर एक्टिंग देखकर तो वरुण धवन भी शर्मा जाए, पर चलो कोई नहीं यार, हर इंसान को जिंदगी में कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो धंधा करना ही पड़ता है। इसलिए हमारे मृदुल मदभौक जी टिकटॉक पे पहले मुजरा करते थे, बट कुछ टाइम बाद जब टिकटॉक पे बैन लग गया तो हमारे भाई ने यही नुस्खे इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, और इसके साथ एक झंडू ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। गुड नहीं भाई, डैम फकिंग फेक, और फर्जी प्रोडक्ट्स है तेरे। और ये बात मैं नहीं कह रहा भाई, तेरे ही कस्टमर कह रहे हैं, तेरे ही फॉलोअर्स कह रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कमेंट पढ़ लिया कर। IM Imran 08 एक बनता है, फलस्तीन का झंडा भी लगाया हुआ भाई ने। मैंने आपकी वेबसाइट से D10 और नेक्स्ट स्क्रब लिया था, बट कोई चेंजेस नहीं देखे। फिर प्रिंस पांडे ने लिखा है, भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा जो दिखाते हो आप। एक और बंदे ने लिखा है, भाई आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, ऑनलाइन शैम्पू एक शीशी यूज कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा हेयर फॉल को, वॉश करते टाइम बहुत बाल टूटते हैं। भाई अपने बालों में अगर जहर डालोगे तो बाल तो टूटेंगे ही। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मृदुल मदभौक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जहर है, नहीं। देखिए मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हर तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
चाहे मैं बात करूँ वे प्रोटीन की, शैम्पू की, फेस वॉश की, बियर्ड ऑयल की, बट किसी भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट लेबल ही नहीं है। और देखिए जितने भी रिप्यूटेड ब्रांड्स होते हैं, जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा इंग्रेडिएंट लेबल जरूर डालते हैं ताकि जो कंज्यूमर उनको पता हो कि प्रोडक्ट में क्या क्या है। बट कुछ ब्रांड्स जो अपने प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स डालते हैं, अनसेफ जो केमिकल्स गवर्नमेंट ने बैन करे होते हैं वो डालते हैं, वो कभी भी अपना इंग्रेडिएंट लेबल नहीं दिखाते। और यही चीज़ हमें मृदुल मतबोख जी के डैम फेक ब्रांड में भी देखने को मिल रही है। भाई ने हर प्रोडक्ट में से इंग्रेडिएंट लेबल को ही हटा दिया है। ये प्रैक्टिस यूजुअली फ्रॉड और फेक कंपनीज ही करते हैं जो आपको नकली प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं। और सबसे बेस्ट बात ये दोस्तों, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले आपको उनकी एक फोटोशॉप पिक्चर देखेगी जिसको दिखा के ये प्रोटीन वगैरह बेच रहे हैं। फोटोशॉप में तो भाई ने पीएचडी करी हुई है। 90% जो उनकी फोटोज इनकी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, वो सारी भाई फोटोशॉप्ड है। पहले आपको भाई की असली बॉडी दिखाता हूँ जो उनकी वीडियोस में हमें देखने को मिलती है। ये भाई की असली बॉडी है और ये इनकी फोटोज हैं जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे और अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। दोनों में भाई डिफरेंस देखो कितना है। असली में भाई का डोला है 15 इंच का, बट फोटोज में लगता है 20 इंच का। मृदुल मतबोख जी की फोटोशॉप मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सपोज करी थी जिसमें भाई ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रखी है, तो इसलिए वो वीडियो हट चुकी है भाई यूट्यूब से। बट वो फोटो वैसे ये थी। इस फोटो में अगर आप नोटिस करें जो शोल्डर है और जो आर्म्स है उनको बड़ा करने के लिए फोटोशॉप यूज करी हुई है, इसलिए जो शटर है पीछे, शटर की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हुई है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें जो शोल्डर और आर्म्स के अराउंड शटर की लाइन है वो सारी टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है। और ये बंदा भाई अपनी फोटोशॉप पिक्चर्स को दिखा के वे प्रोटीन बेच रहा है, मास गेनर बेच रहा है बच्चों को। मेरे भाई वे प्रोटीन मास गेनर छोड़, फोटोशॉप का कोर्स बेच जिससे तूने बॉडी बनाई है इंस्टाग्राम पे। और चलिए अगर हम इस फोटोशॉप वाली बात को साइड में रखें, इंग्रेडिएंट लेबल वाली बात को साइड में रखें, आप खुद एक बार सर्च करें भाई मृदुल मतबोख प्रोडक्ट्स रिव्यू या डैम गुड प्रोडक्ट्स रिव्यू, तो सबसे पहले आपको गूगल पे दोस्तों एक लिंक मिलेगा जो कि क्यूरोरा का लिंक है। क्यूरोरा में आपको पता है लोग सवाल जवाब करते हैं, और उस लिंक में जो सवाल पूछा हुआ है किसी यूजर ने वो ये है कि Has anyone ordered anything from DamnGood or MrudulMatbokh.in? How are their products and reviews? ये सवाल पूछा है। अब जवाब देखिए भाई, I have gone through the reviews on their site and found some very negative reviews from customers. I also got an email from one of their buyers saying that he was scammed by them. भाई स्कैमर तो स्कैम ही करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। मृदुल मतबोख जैसे चोर से भाई तो प्रोडक्ट ले रहे हो तो चूतिया तो कटेगा ही तुम्हारा। आगे लिखा है, द साइट हैज रिसीव्ड पुअर रिव्यूज फॉर देयर पुअर कस्टमर सपोर्ट। However, I have not tried their products. Try क्यों नहीं करें उसका भी रीजन बंदे ने लिखा है नीचे। I had submitted my order 2 months ago and still I have not gotten my order. कहाँ से मिलेगा भाई ऑर्डर? चाइना से बंदा प्रोडक्ट्स मंगा रहा है, वो सस्ते प्रोडक्ट्स तुम्हें बेच रहा है, तो 2 महीने तो लगेगा ही मिनिमम। धीरे धीरे जैसे इसके प्रोडक्ट्स की लोगों को सच्चाई पता चलने लग गई, नेगेटिव रिव्यूज आने लग गए, नेगेटिव कमेंट्स आने लगे इंस्टाग्राम पे, तो इसने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना इंस्टाग्राम पे बंद कर दिया, बात करना ही छोड़ दिया। कभी कभी फिर भी ये करता है बात जब ये धर्म के ऊपर वीडियोस बनाता है। सोचने वाली बात है, धर्म की बात कर रहा है उसके साथ अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है कि ये फेस वॉश लगाओ, ये बियर्ड ऑयल लगाओ, तुम्हारी स्किन ग्लो हो जाएगी। उसका भाई रिलीजन से क्या लेना देना है? एक तरह तुम रिलीजन के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, दूसरी तरफ अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो सेम वीडियो में। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कितने बड़े लेवल का ढोंगी इंसान है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नकली प्रोडक्ट्स बेचने का धंधा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, स्कैम करने के लिए इसने एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढा है, नया स्कैम बिजनेस ढूंढा है जिसका नाम है मृदुल स्कैमिंग वर्कशॉप, सॉरी आई मीन मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप। इसीलिए दिल्ली की नंबर 1 ग्रूमिंग वर्कशॉप खोली है। आपको बड़ा बंदा बनना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ना सीधा काम कर रहे, सीधा। कितना इसके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं भाई उसके ऊपर 2 मिनट में आएंगे। बट एक चीज आप देखिए भाई, ये बंदा खुद बेरोजगार है, खुद इसको आज तक ना मॉडलिंग में काम मिला, ना एक्टिंग में काम मिला, ना इसने कोई म्यूजिक वीडियो करी, बट क्लेम ये कर रहा है भाई कि जो लोग इसे ट्रेनिंग लेंगे, इसकी वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उनको डायरेक्टली एक्टिंग में मॉडलिंग में काम मिल जाएगा। मेरे भाई अगर तू इतना ही काम दिलवा रहा है लोगों को तो थोड़ा अपने लिए भी काम ढूंढ ले। खुद तो नकली वर्कशॉप चला के घटिया प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमा रहा है और क्लेम ये कर रहा है मैं दूसरों को काम दिलवाऊंगा। और पहले मैं आपको इसकी ग्रूमिंग वर्कशॉप की सच्चाई बताता हूँ कि कैसे ये दूसरों की ग्रूमिंग वीडियोस को अपनी क्लेम करता है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को कहता है कि ये मैंने करवाई है। बेटा यहाँ से 4 नंबर मार, 3 नंबर यहाँ से, 1 नंबर से ये इतना, आधा नंबर ये जो ये एरिया है ना इस, हाँ। वीडियो में भाई जो बंदा है जो कि मृदुल मतबोख क्लेम कर रहा है कि मेरा क्लाइंट है, मैंने इसकी ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन करी है, उसकी टी शर्ट पे जरा आप जूम इन करें, उस पर लिखा हुआ है बैलेंस मेल ग्रूमिंग, जो कि यूके की एक ग्रूमिंग कंपनी है। उस कंपनी की ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो उठा के अपना वॉइस ओवर दे रहा है और कह रहा है कि यहाँ से 4 नंबर करते, यहाँ से 3 नंबर करते। भेड़िया बन के आए थे मेरे सामने, बोलते हेयर कट और बियर्ड कट एक शेप के हिसाब से बता दो। तो हमने भाई साइड किन के झाड़ बराबर बाल हटाए, सामने से एक ऐसा सा रापचिक सा कट बना दे। अरे अरे
अरे बराबर करना चीकू, मुझे ही क्या शक्ल देख रहा है। ये भी भाई चुराई हुई वीडियो जिसपे इसने ऊपर से वॉइस ओवर दे दिया है। ह्यूस्टन बार्बर जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है KZFates के नाम से, उसकी ये वीडियो, इनफैक्ट जो इसका क्लाइंट है, इस बंदे के बाल कट रहे हैं, उसने जो कपड़ा पहना हुआ है ना, उस पर यूजर नेम भी लिखा हुआ है KZFates के नाम से, जो कि पूरा दिख नहीं रहा क्योंकि इसने क्रॉप कर दिया वीडियो ताकि इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। बट इस बंदे की हरामपंती देखिए, US के बार्बर की वीडियो उठा रहा है, ना उसको क्रेडिट दे रहा है, उसके क्लाइंट को अपना क्लाइंट बता रहा है, ऊपर से वॉइस ओवर देख कह रहा है कि मैंने इस बंदे की ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन करी। सिर्फ यही नहीं भाई, ये नीच बंदा तो अपने प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग कर रहा है इस वीडियो के थ्रू, कह रहा है मैंने अपने प्रोडक्ट्स इस बंदे के ऊपर यूज करे तभी इस बंदे की इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। 99% जो इसकी ग्रूमिंग वीडियोज है ना भाई, उनकी यही सच्चाई है, किसी और फॉरन क्रिएटर की वीडियो उठाता है, उसके ऊपर वॉइस ओवर देता है और फिर ये क्लेम करते हैं कि मैंने इनकी ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन करी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करके। ये क्या है भैया, इसकी शूटिंग चल रही है, मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप के बच्चे हैं, पर्सनली मैंने ट्रेन कर रखे और आज ये वेब सीरीज कर रहे हैं। ये वीडियो भी किसी और की उठाई है बंदे ने, और ना ही उसको क्रेडिट दिया, ना ही उस बंदे को टैग किया है, बट क्लेम ये कर दिया वॉइस ओवर देखे कि ये मेरे स्टूडेंट है, मैंने इनको ट्रेन किया और आज ये वेब सीरीज कर रहे हैं। ये वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम के, क्योंकि लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, जबकि इसने अपनी वर्कशॉप 1 साल पहले लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करी है। मेरे भाई सर, अपने स्टूडेंट को कहे कि तेरे को भी वेब सीरीज में चपरासी की नौकरी लगवा दे, कब तक तू ऐसे बेरोजगार हो की तरह दूसरों की वीडियो चुरा के लोगों को बेवकूफ बना के फ्रॉड करके पैसे कमाता रहेगा। कैप्शन लिखा है योगा क्लास एडिट इन योर कोर्स, तो अब हमारे मृदुल भाई लोगों को काम दिलवाने के लिए योगा भी सिखा रहे हैं। देखना बंदा अगली वीडियो में रामदेव बाबा की वीडियो उठाएगा, उसके ऊपर वॉइस ओवर देगा और फिर कहेगा ये मेरे स्टूडेंट है, मैंने इनको योगा सिखाई है। अब ये कितने सक्सेसफुल बन गए, पूरी दुनिया में योगा सिखा रहे हैं। परेशान आ चुका हूँ इनसे, टिकटॉक वालों से नहीं, दिक्कत ये है ये भारतीय नारी है, बट दिक्कत यहाँ पे आ गई, कहती वो आप कुछ करते हो ना वो हनुमान का रैप। मैंने कहा हनुमान, हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता, हनुमान का रैप। साफ दिख रहा भाई फॉरेन की वीडियो है, फॉरेन की लड़कियां डांस कर रही हैं, उसको इन्होंने हिंदुस्तानी नारी बना दिया और कह दिया कि वो हनुमान चालीसा की इंसल्ट कर रही है। फिर ये आता है मसीहा बन के हनुमान जी को बचाता है, हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स बताता है। वही जो सेम स्टोरी हर वीडियो में दिखाता है कि कोई किसी धर्म की इंसल्ट कर रहा होता है, फिर ये उनका मसीहा बनता है, ये उनको बचाता है जाके। मेरे भाई अब तो कोई नई स्क्रिप्ट लिया, कब तक एक ही स्क्रिप्ट से लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। वजहों से हमने आपस में एक दूसरे को बांटा हुआ है ना, चर्च टेम्पल मस्जिद 6 अल्फाबेट, बाइबल गीता कुरान 5 अल्फाबेट, मतलब समझ रहे हो। चलो हिंदुस्तान में तो लोग ऐसी बातें सुनकर बेवकूफ बन जाते हैं, बट एक बार यही चीज जरा पाकिस्तान में जाके बोल, सऊदी अरेबिया में जाके बोल, या किसी चर्च में जाके बोल, जब वहां के लोग तेरे को 10 जूत मार के जेल में डालेंगे ना, तब पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के बाहर तेरे सेक्युलरिज्म की क्या औकात है। ये मैंने हाथ में 5 लाख रुपए पकड़ रखे हैं, प्योर गोल्ड है जी, 100 ग्राम, आजकल क्या रेट चल रहा है, 10 ग्राम 50,000 का, तो तुम कैलकुलेट कर लो 5 लाख रुपया है। बट आज मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ भाई साहब, HCL के अंदर डाल दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड और ये बॉयल होने लग जाएगा। अबे मच्छर की झाड़, तेरी औकात है गोल्ड बार खरीदने की, किसी और की वीडियो चुरा के ऊपर से वॉइस ओवर दे के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्लेम कर रहा है मैंने ये गोल्ड बार पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली में वीडियो है एक इंटरनेशनल यूट्यूबर नाइल रेड शॉर्ट चैनल की, बट मृदुल भाई का तो काम है चुराना, लोगों को बेवकूफ बनाना, फ्रॉड करना, तो उन्होंने बिना परमिशन लिए, बिना क्रेडिट दिए उस बंदे की वीडियो चुरा ली, ऊपर से वॉइस ओवर दे दिया और अपने झाटू फॉलोअर्स का वापस भूतिया काट दिया, और ये लहन का पकौड़ा दूसरों को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है, धमकी देता है कि मेरी रोज वीडियो डिलीट करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करके तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अबे भंगार की शक्ल के, खुद तेरे चैनल की सारी वीडियो कॉपीड है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की चुराई हुई है, जिनके ऊपर तो पीछे से वॉइस ओवर दे के अपनी क्लेम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और पैसे कमाता है। अब सोच किसी ने तेरे ऊपर केस कर दिया तो तेरे तो पूरा चैनल ही उड़ जाएगा, पूरा इंस्टाग्राम गायब हो जाएगा, क्योंकि तेरा तो ओरिजिनल कंटेंट 0 है, सारा तूने कॉपी किया हुआ है। 250 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, जिसमें से 60% औरतें और बच्चे हैं। इजराइल ये कर रहा है, पानी बिजली काट दी, अस्पताल स्कूल के ऊपर बमबारी कर रहा है, यहाँ तक कि अगर पैलेस्टीनियन जो ये गाजा के लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट के थ्रू, तो वहीं बॉर्डर पे बमबारी कर दी गई। अब लोग बोलेंगे अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे हिंदू लोग हैं क्या, तो तुम्हारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या ये शिक्षा देता है। और अब देखिए इजराइल और पैलेस्टीन का जो टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा भाई, बट एक चीज मैं इस गधे को बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो करा था रामायण के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर, बट अगर वही हनुमान चालीसा तुमने पढ़ी गाजा में जाके पैलेस्टीनियंस के सामने, तो जितनी नफरत वो भाई इजरायली से करते हैं ना, जो उनका घर बार तोड़ रहे हैं,
उससे कई गुना ज्यादा तेर से करेंगे वो, और तेरा क्या क्या तोड़ेंगे वो तू सोच भी नहीं सकता। चौंकने वाली बात सुनिए, ये तमिलनाडु की फैक्ट्री थी जहाँ हर साल कम से कम 100 लोग की मृत्यु होती है क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है। अब सोचिए ये इतनी फैक्ट्रीज हैं इंडिया में तो हर साल कितने लोगों की जान जाती है क्योंकि वो आपके लिए पटाखे बनाते हैं। इस भांड की हिपोक्रेसी देखिए भाई, एक तरफ अपने आप को राम का भक्त कहता है, हनुमान का भक्त कहता है, रामायण पे वीडियोस बना के पैसे कमाता है, और जैसे ही दिवाली आती है कुछ लिबराडो कंपनी इसको पैसे देती हैं कि दिवाली पे पॉल्यूशन पे वीडियोस बनाओ, तब ये नीच इंसान जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है कैमरे पे, बट कुछ पैसे के लिए अपने धर्म के अगेंस्ट, अपने फेस्टिवल के अगेंस्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि ये बंदा कितना बड़ा हिपोक्रेट है, कितना बड़ा फ्रॉड और चोर है, और कैसे लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स के साथ खेल के उनको बेवकूफ बना रहा है, अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है, अपनी घटिया वर्कशॉप प्रमोट कर रहा है। और क्योंकि दोस्तों मृदुल मदभोग का जो लॉबिंग ग्रुप है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए आई एम श्योर इस वीडियो की जो रीच है वो बहुत कम कर दी जाएगी और इसका रिवेन्यू भी ना के बराबर होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो मेक श्योर आप इस वीडियो पे 15-20 कमेंट करें, ऑब्वियसली अपने सर्कल पे इंस्टाग्राम पे शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों इस वीदियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दैट, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर।